जान पहचान वाले, तू कौन है? मेरा नाम बालक नाथ है ते मैं जोगी हाँ। इतनी छोटी उम्र विच जोग, बड़े पत्थर दिल होने हैं तेरे मापे, जिन्होंने इतनी छोटी उम्र विच ही तेनू घरों बाहर कर दिता। नहीं माता, इस विच मेरे माँ बाप का कोई कसूर नहीं, ये सब ईश्वर दे लिखे लेख हैं। ते वेख, ईश्वर ने तेनू मेरे नाल मिला दिता, मैं तेनू अपना धर्म का पुत्र बनावांगी, बनेगा ना? जे परमात्मा दी यही मर्जी है ता मैं जरूर बनूंगा ते तेरी चाकरी भी करांगा। चाकरी? तू भला मेरी की चाकरी करेगा पुत्र? मैं पाली बन के तेरिया गुआं चरावांगा। चंगा, जिवें तेरा चित मने, आ मेरे नाल। भरावो मैं तुहानू एक गल सुनावा, एक वारी एक सन्यासी ने रब कोल फरियाद कीती, कहिंदा जिन्ने दुख तकलीफां आ जिन्नियां मुसीबतां आ ना वह मैनू दे दे। फिर उहदे चेले ने पता की कहा, वह कहिंदा एक बोटी मंगला सारियां दुख मुसीबतां आपे ही मिल जाणियां। रतनो, ये सन्यासी कौन है? मेरा पुत्र है बालक नाथ। संदर नाथ ते गोरख नाथ ता सुने सी, आ बालक नाथ भी आ गया। मेरा पुत्र एक सिद्ध पुरुष है, ये तुसी नहीं जानते, मेरे घर ता आप रब चल के आया, एक दिन आएगा जो तो तुसी सारे इदी महिमा नु जानोगे। अच्छा, वो दिन कदों आऊगा? बालक पुत्र, ये है मेरा छोटा जिहा घर। आजा पुत्र, अंदर आजा। माता, मैं सन्यासी हाँ, सन्यासी घर विच प्रवेश नहीं करते। पर पुत्र, फिर तो कितने रहेगा? माता, मैं बार बोर्ड हेठा अपना आसन लगावांगा ते बार ही तेरिया गौं चरावांगा। मेरा दिल ते नहीं मानता कि तू ओथे रहे, पर जिवें तेरी मर्जी जोगी आ, मैं तेरे लिए लस्सी ते रोटी लेके आवांगी, तू ठहर। डंगोरी गौं चराने वास्ते।
मालक पुत्र तेन भुख लगी होनी है, देख मैं तेरे लिए रोटी ते लस्सी लेके आई हूं, ले खा ला मेरा पुत्र। माता तुसी रोटी ते लस्सी इत्थे रख दियो, मैं बाद विच खा लांगा। ते हां माता, जदों मैं पक्ति विच लीन होवां तुसी लस्सी ते रोटी रख के चले जाया करो, ताकि मेरा परमात्मा वालों ध्यान ना टूटे। ठीक है पुत्र, मैं ऐसे तरह करांगी। ਸਾਡੇ ਭਗਤ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਰਤਨੋ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੌਰਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਨੂੰ ਰਤਨੋ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਸੀ ਲੀਲਾ ਹੈ ਸਵਾਮੀ? ਗੌਰਾ, ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ब्रह्मचारी सी, धर्मों ने
12 कड़ियां उसकी सेवा की सी। वही करजा उतारन दे लई बालकनाथ ने रतनों की चाकरी की। रतनों ही पिछले जन्म विच धर्मो सी, पर हुण बालकनाथ की चाकरी का समा पूर्ण हो चुका है। कोतवाल साहब, तुसी सारे पिंड वालियां दे नाल इन्ने गुस्से विच मेरे घर? आ सारे पिंड वालियां ने तेरे मुंडे दे खिलाफ सानू शिकायत कीती है। मेरे पुत्र तो इहो जिहा की कसूर हो गया? की कसूर हो गया? बर्बाद कर दिता उसने सानू। ओह छिदी है की है कसूर हो गया? तुहानू कोई गलती लगी है? ओह तां उत्थे बैठा भगती कर रहा है। ओह तां उत्थे देवते झोंगा रहा। तेरियां गाइयां ने तां साडे खेत सारे गाड़ दित्ते। अपने पुत्र नूं मिलना चाहुंदी आ। हां हां, उहनूं तां असीं वी मिलना चाहुंदे आ। चलो भी चलो भाई। फसलां तो बाद भी कुछ करना बाकी है। कोतवाल साहब, इनू कोतवाली अंदर करो। चल सन्यासी, तेरा आसन तो हुण कोतवाली दे अंदर ही लगू। मैनू कोतवाली जाण विच कोई पै नहीं, पर कोतवाल साहब पहला इना दे खेत दा वेख लो। कोतवाल साहब, इदे चांसे विच ना आयो। ए आपां नूं इत्थों भेज के पंबीरी होना चाहुंदा। ठीक आ, मैं इत्थे ही खड़दा ते तुसीं जाके अपने खेत वेख के आओ। हां हां ठीक है, आओ भरावो चलिए। हां हां चलो भरावो आओ। फसलां तां अगे ना भी दुगनियां चौगनियां हो गईयां। सानू नहीं सी पता, सानू माफ कर दिओ बाबा जी। सातों भुल हो गई, सानू माफ कर दिओ बाबा जी, सानू माफ कर। चलो बाबा जी दी महिमा सारे पिंड नूं दसीए। बाबा जी की महिमा सारे पिंड। जय बाबे जी, जय बाबे, जय बाबे, जय बाबे, जय बाबे।
ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਨਗ੍ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਵਾ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਲੱਸੀ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਤਾ ਆਲਾ ਤੇਰੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਲੱਸੀ। ਤੇ ਆਲਾ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀਆਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਬਸ ਮਾਤਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਮਰ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਾਂਗੀ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈ। ਮਾਤਾ ਭਗਵਾਨ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲੇਖਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਲਕ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ, ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤਰ? ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੰਨ ਫੜਦੀ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਜੋੜਦੀ ਹਾਂ। ਤੇਰੀ ਇਹ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਮਰ ਜਾਏਗੀ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਦਾ। ਬਾਲਕ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾ, ਬਾਲਕ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਮਰ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ। ਤੂੰ ਸੁਣ ਤੇ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੀ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ।
ओ भई एक गल आ, पिंड तो बाहर जेडे बाल जोगी ने डेरा लाया वो है बड़ा करामती। मैं सच कहना ओने तो कईयां दीयां बीमारियां दूर कर दित्तियां, ओने कईयां मावां नूं दात पुत्तर दी बख्श दित्ती है। वाकई वो है कोई सिद्ध पुरश नहीं। हां भाई हां, तुहाडी गल सही है। जय गुरु गोरखनाथ। भिक्षा दे देवो, गुरु गोरखनाथ साडे सब कष्ट दूर करनगे। ओ साडे कष्ट दूर करन लई जोगी बालकनाथ आ गया है। महाराज ओ देख कैसा कोतक है। होवे ना होवे, ये उही बालक है गल पिंड वाले करते सन। चल आप गुरु जी दसते हैं। हाँ आ, आ चलिए। सिद्ध योगी, रिद्धियां सिद्धियां दा मालिक, ते ओ भी एक छोटा जिहा बालक। ए नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता। सिद्ध पुरुष, रिद्धियां सिद्धियां दा मालक गोरखनाथ है। गोरखनाथ शिव भगत गोरखनाथ, लोगों को चमत्कार बखा के गोरखनाथ के खिलाफ पर कौन वाला बालक सिद्ध योगी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता सिद्ध योगी। कोई गल नहीं, असी ओदे कोल जरूर जावांगे, जरूर जावांगे। प्रणाम महाराज। तो तू है रिद्धियां सिद्धियां का मालक, सिद्ध योगी। असि चमत्कार वेखनाया बखा अपनी शक्ति। महाराज मैं तो भोले शंकर दा नहीं माना जा दास हाँ, मैं तो सिर्फ भक्ति करता हाँ। ये चमत्कार विखाउणा मैनू शोभा नहीं दिंदा, ते चमत्कार दिखाउण दी गल करना तुहानू शोभा नहीं दिंदा। गल्लां नाल ते तैनू अपने गुण गाउणे खूब आउंदे ने, पर दरते आए जोगियां दी सेवा करन दा कोई ध्यान नहीं है। महाराज मैं तुहाडी की सेवा कर सकदा। साडे चेले भुखे ने, उन्हां नूं अंजल ग्रहण करवा। महाराज अंजल तो मैं आप ग्रहण ही नहीं करदा, कहो तां दूध पिया दिया। नहीं,
साढ़े चेले अन्न ग्रहण करेंगे। महाराज पहला दूध ग्रहण कर लो, जे फिर भी अन्न की जरूरत हुई ता उसका भी प्रबंध हो जाएगा। ठीक है, दूध ही पिला दो, पर कौवा कित्थे ने? महाराज तुहानू दूध मिल जाएगा। ओम नमो दत्तात्रेय, ओम नमो दत्तात्रेय। वाकई रिद्धियां सिद्धियां दा मालिक है, इती भक्ति विच शक्ति है, ताही ता लोक इती पूजा करते ने। जे ए बालक मेरा चेला बन जाए तो युगा युगा तक गोरखनाथ के नाम का डंका बजता रहेगा। मैं इस बालक नो अपना चेला जरूर बनावांगा, जरूर बनावांगा, चाहे ओदे वास्ते मैनू कुछ भी करना पाए, मैनू कुछ भी करना पाए।
गुरु गोरखनाथ। लख नरंजन बालक, असी तेरी भक्ति भावना तो बहुत प्रभावित होए, सानू तेरे वर्गे चेलिया की लोड़ है, असी तेनु अपना चेला बनावांगे, धर्म ज्ञान यंत्र मंत्र की सिक्ख्या देके महासिद्ध योगी बनावांगे, दुनिया तेरी पूजा करेगी। माफ करना महाराज, गुरु दत्तात्रेय मेरे गुरु हैं, उन्हां तो आशीर्वाद लेके मैं भक्ति मार्ग ते तुरिया हां, इसलिए मैं किसे होर नूं अपना गुरु नहीं तार सकदा। यानी गोरखनाथ को इनकार? गोरखनाथ दा क्या था, वड्डे वड्डे जोगी नहीं मोड़ सकती, तू की चीज है, असी चाहिए तो तेनू जबरदस्ती अपना चेला बना सकते। तुसी ये भी करके देख लो महाराज। अच्छा, ता तू गोरखनाथ नु बंगार रहे, फड़ दो इसनु, ते पा दियो दे कन्ना च मुंद्रा, और बना दियो नु साडा चेला। जो आज्ञा गुरुदेव। ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਖੂਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੁੱਧ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੁੰਦਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੰਭਵ। बहुत ज्ञानी ज्ञानी समझता है। ए जय गुरु मच्छिंद्रनाथ। जय तेरे बहुत शक्ति है, तेरी मृगशाला नु थले जमीन ते जाके बखा।
कैसा वार करांगा जिस तो तेनु कोई नहीं बुझा सकेगा। तक तेनू बच्चा समझ के तेरे नाल खेड़ा खेड़ा रहा, पर आज आज गोरखनाथ दे क्रोध तो तेनू कोई नहीं बचा सकेगा। आज मैं तेनू वो शक्ति दिखावांगा जिसकी काट सारी दुनिया च किसे कोल नहीं। संभाल गोरखनाथ। भगवान प्रणाम। शिव शंकर। गोरखनाथ, साधु सन्यासियों नूं क्रोध करना शोभा नहीं दिंदा। फिर तुसीं तां इक महान तपस्वी अते महाज्ञानी हो। तुसीं अपनी ताकत दे हंकार विच अपने ज्ञान दी सही वरतों नहीं कर सके, इसलिए तुसीं बालकनाथ नूं नहीं पहचान सके। यह साडा ही रूप है। बालकनाथ, आज तो मैं उस चिमटे ते करमंडल दी वरतू नहीं करांगा। आज तो मैं वड्डा चिमटा ते खप्पर दी वरतू करांगा। ए चिमटा ते करमंडल रहिंदी दुनिया तक तुहाडी निशानी वजो जाने जाणगे। हे शिव अवतार, तुहानू कोट कोट प्रणाम है। तुहानू कोट कोट प्रणाम है। गुफा दे अंदर जाके बाबा जी ने नाहर सिद्ध नू ज्ञान देके ओदा भी उद्धार किया। अज भी इस गुफा ते संगतां दियां
मनोकामना पूरियां हुंदियां ने। दुध वालियां नूं दुध ते पुत वालियां नूं पुत्तर दी बख्शिश हुंदी है।